गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू मोर इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स। टुडेज फर्स्ट पैराग्राफ इज चाइल्ड लेबर एंड बैटल फॉर चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। यानी इंडिया में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट्स के लिए जो बैटल चल रही है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना आप लोगों ने। देखो उसको कैसे लिखा जाता है। कैलाश सत्यार्थी ब्रॉट लॉरल्स टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर बीइंग अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2014 अलोंग विद मलाला फॉर देयर बैटल फॉर चाइल्ड सेफ्टी। लॉरल मीन्स होता है प्रेज, नेम या फेम। कैलाश सत्यार्थी नाम का एक बच्चा है जिसको 2014 में नोबल पीस प्राइज के साथ अवार्ड किया गया। उनके साथ साथ मलाला को, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको भी चाइल्ड की सेफ्टी के लिए उन्होंने बैटल लड़ी थी, उसके लिए उनको नोबल पीस प्राइज मिला। द वर्ल्ड हैज एप्रिशिएटेड द बैटल ही फॉट फॉर चाइल्ड राइट्स फॉर इयर्स। संसार ने, उन्होंने जो बैटल लड़ी बच्चों के, चाइल्ड के राइट्स के लिए, उनको अप्रिशिएट किया है। द टर्म चाइल्ड लेबर इज एक्चुअली द वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। वास्तव में चाइल्ड लेबर क्या है? एक ऐसा वर्क है जो बच्चों को उनके बचपन को, बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। इट डिस्ट्रॉय देयर पोटेंशलिटी एंड देयर डिग्निटी। ये उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी को वो छीन लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उनकी डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को छीन लेता है। इन शॉर्ट, इट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट इज मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली डेंजरस। अगर ब्रीफ में बोला जाए तो ये एक ऐसा वर्क है जो बच्चों को मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली उनके लिए खतरनाक एंड हार्मफुल टू द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए खतरनाक। चाइल्ड लेबर इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाइल्ड लेबर एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में एंगेज किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, ऑन पार्ट और फुल टाइम बेसिस। या तो पार्ट टाइम उनसे काम करवाते हैं या पूरे दिन के लिए उनको लगा लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री और माइन और कास्टल और एंगेज इन एनी अदर हैजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 24 है वो 14 साल से कम बच्चे अगर चाइल्ड लेबर करते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी खान में, किसी किले में या किसी दूसरी खतरनाक एम्प्लॉयमेंट में अगर एंगेज हैं तो संविधान उसको प्रोहिबिट करता है, उसमें मनाही है। बट ऑल दीज लॉज आर मियर डेड वर्ड्स ऑन पेपर। लेकिन ये जो सभी लॉज हैं सिर्फ पेपर पे हैं। करोड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन कंपेल्ड टू वर्क इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज। करोड़ों बच्चे मजबूर हैं आज खतरनाक इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू 2001 नेशनल सेंसस देयर आर अबाउट 12.6 मिलियन चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 5 टू 14 अगेंस्ट इन डिफरेंट सेक्टर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 2001 के नेशनल सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग, लगभग 12.6 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 से 14 साल की एज की हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेबरर्स अंडर 14 इन द वर्ल्ड। और भारत में संसार हाईएस्ट नंबर पर है जहां पर 14 साल से कम लेबरर से काम करवाया जाता है, बच्चों से काम करवाया जाता है। इवन टूडे देयर आर 32.7 लाख चिल्ड्रन हु आर पोस्ट टू वर्क इन रूरल एंड 10.8 लाख इन अर्बन एरियाज। और आज भी लगभग 32.7 लाख बच्चे मजबूर होना पड़ता गांव में काम करने के लिए, और शहर में 10.8 लाख। द कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्जापुर एंड भदोही इज नोटोरियस फॉर एक्सप्लॉइटिंग एंड एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन। मिर्जापुर और भदोही की जो कारपेट इंडस्ट्री है वो बदनाम है इस चीज़ में, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट और एम्प्लॉय करती है। द ग्लास एंड बैंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद है मोर देन 20,000 चिल्ड्रन वर्किंग इन एजरेट्स एंड डेंजरस कंडीशन।
फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री है, वहां पर भी लगभग 20,000 बच्चों से ज्यादा वहां पर काम करते हैं खतरनाक और डेंजरस कंडीशन में। द डायमंड इंडस्ट्री ऑल्सो इम्प्लॉयज थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, डायमंड इंडस्ट्रीज में भी हजारों बच्चों को काम पर लगाया जाता है। द मोर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द ILO claims that children labor is quite significant in Tamil Nadu's fireworks, matches or incense sticks industries. ILO ने क्लेम किया है कि चाइल्ड लेबर तमिलनाडु के जो फायरवर्क्स है जहाँ पर पटाखे वगैरह बनाई जाती है, मैचेस बनाई जाती है या अगरबत्ती वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पर बहुत बच्चों से काम करवाया जाता है। अबाउट 20 million चिल्ड्रन आर कंडेम्ड टू वर्क एज डोमेस्टिक लेबर इन रेस्टोरेंट्स, लगभग 20 मिलियन चिल्ड्रन से आज भी डोमेस्टिक लेबर और रेस्टोरेंट में काम करवाया जाता है। मैनी एनजीओ लाइक बचपन बचाओ आंदोलन ऑफ कैलाश शताब्दी आर वर्किंग सिंसियरली टू एरेडिकेट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो कई एनजीओ जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश शताब्दी ने जो बनाई हुई है वो सिंसियरली चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। ओनली कंसंट्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एनजीओज एंड द पब्लिक कैन इरेडिकेट दिस एविल फ्रॉम अवर सिविलाइज सोसाइटी। केवल गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और पब्लिक के द्वारा, सभी के द्वारा मिलकर एफर्ट करके ही इस बुराई को, इस एविल को इरेडिकेट किया जा सकता, रिमूव किया जा सकता हमारी सभ्य समाज में से। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ड्राइविंग इंडिया क्रेजी। ड्राइविंग इज नो मोर अ प्लेजर ऑन इंडियन रोड्स, यानी आज सड़क पर ड्राइविंग करना प्लेजर नहीं रह गया। डेथ स्ट्रोक्स ऑन द रोड ऑफ मेजर मेट्रोज ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मेजर मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर हर रोज डेथ स्ट्रोक्स करती है, स्ट्रोक्स मीन्स होता है वॉक्स करती है। आयरोनिकली द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज द डबियस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ कॉजिंग मैक्सिमम डेथ ऑन इट्स रोड्स। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो कैपिटल है वो संदेह में, क्योंकि वहाँ पर सड़कों पर काफ़ी डेथ्स होती हैं। अबाउट 2000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन एक्सीडेंट ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की रोड्स पे एक्सीडेंट में लगभग हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ग्रेजुअली कैचिंग अप विद दिल्ली, और उसके बाद बेंगलुरु और चेन्नई भी वैसे ही हैं। 490 पीपल इन मुंबई, 223 इन अहमदाबाद एंड 148 पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट इन कोच्चि। Many persons may not be as lucky as Sahyadri who has survived more than 25 major accident. सभी लोग तो भाग्यशाली नहीं होते सहसादरी की तरह जो 25 मेजर एक्सीडेंट के बावजूद भी सर्वाइव कर गए। द मेजर कॉज ऑफ सो मैनी रोड एक्सीडेंट इज द लैक ऑफ रोड कल्चर इन इंडिया। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है रोड एक्सीडेंट का, कि रोड कल्चर है, यानी रोड पे हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे नियमों को पालन करना चाहिए, उसकी कमी दिखाई देती है। पीपल डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के रूल को फॉलो नहीं किया जाता। रैश एंड ड्रंकन ड्राइवर्स आर द मर्चेंट्स ऑफ डेथ, जो ये डेथ के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन बिजनेसमैन ही बोलेंगे वो हैं, वो लोग जो रैश चलाते हैं, बड़ी तेज चलाते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, पी के शराब पी के ड्राइविंग करते हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हैज बिकम द कल्चर ऑफ द रोड्स इन इंडिया, इंडिया में रोड्स की कल्चर बन चुकी है ड्रिंकिंग और ड्राइविंग। द कंडीशन ऑफ रोड इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, और दूसरा जो रीजन हुआ कि इंडिया की जो सड़कें हैं वो भी संतोषजनक नहीं है। पिट्स एंड पोर्ट होल्स कॉज मैनी एक्सीडेंट, गड्ढों की वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हेस्ट एंड ओवरटेकिंग अल्टीमेटली रिजल्ट इन एक्सीडेंट एंड डेथ, इसके अलावा जल्दबाजी, ओवरटेकिंग करना, उनसे भी एक्सीडेंट और डेथ्स होती है। बेटर रोड विद एडिकेट रोड साइन एंड वार्निंग आर नीड ऑफ द आवर, अच्छी सड़कें, एडिक्वेट रोड साइंस और वार्निंग सिंबल्स समय की मांग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।